जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। तो स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है योर रवि। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ ऐसी बातें जिससे आपको कुछ पॉजिटिविटी मिलेगी और आप जान पाएंगे कि ये बात सच में कितनी अच्छी है। काश इसे मैं पहले जान लेता। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है धर्म क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो धर्म शब्द है उसका असली अर्थ होता है धर्म, मतलब धारण करना। जिस चीज को हम धारण कर रहे हैं तो हम क्या धारण करते हैं। तो धारण मतलब यहाँ पर यह बताया गया है एक लौकिक और पारलौकिक शक्ति से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा, मोक्ष की प्राप्ति करने से पहले आपको आपके धर्म जो है उसको अच्छे से जानना पड़ेगा। तो इस धर्म में क्या क्या आता है, मतलब आपके अंदर अहिंसा रहना पड़ेगा, जिसका मतलब है हिंसा नहीं करना, ठीक है। सत्य के मार्ग पर चलना, निस्वार्थ सेवा करना, निस्वार्थ भक्ति करना, तो इससे धर्म कहते हैं। और भी धर्म के बहुत सारे उदाहरण हैं, बस मैं इस छोटे से वीडियो में तो कवर नहीं कर पाऊंगा, जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप इस धर्म के बारे में जान जाएंगे तो धर्म में मोक्ष की प्राप्ति मतलब ईश्वर के पास जाना, जहाँ पर आपको इस 84 लाख योनि में नहीं भटकना है। आप जब मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे तो आप ईश्वर के पास ही रहेंगे, उसके बाद आपको दोबारा से इस धरती पे नहीं आना है, चाहे आप जानवर के रूप में आए चाहे आप इंसान के रूप में आए। तो इसे कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति, बट वो इतनी आसानी से हमें नहीं मिलती है, उसके लिए कुछ कर्म करने पड़ते हैं अच्छे से, कर्म करने से पहले। इसलिए बोला जाता है कि धर्म को आप जान लें। धर्म जो है उसके बाद ही आता है सनातन धर्म। तो सनातन धर्म क्या है मैं बता दूं, सनातन धर्म वो है जिसका मतलब है सत्य। सनातन शब्द का अर्थ है सत्य, जो चीज सत्य है। जैसे बताना चाहूंगा, मरना सत्य है, जन्म लेना सत्य है, मोक्ष प्राप्ति सत्य है, और तो और ईश्वर की सेवा करना, तो ये सब आते हैं सनातन धर्म में। इसी धर्म से आए हैं हिंदू धर्म, जो कि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो इस वर्ल्ड में सबसे पहले आया था। हिंदू धर्म वो है जो दूसरों धर्म के आज के संप्रदाय में अगर देखा जाए, जो दूसरे संप्रदाय उससे धर्म को भी रिस्पेक्ट देता है। हिंदू धर्म वो है जो अपने धर्म का सम्मान करता है, रक्षा करता है। बट अफसोस की बात यही है कि हम सब इस धर्म से बहुत दूर हैं। हम लोग आज मालूम ही नहीं कि हम लोग का धर्म क्या, बट धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते और कर्म करने चल जाते हैं, जिससे क्या होता है कर्म जैसा करते हैं वैसा फल मिलता है। और आज तो आप देख ही रहे हैं फिलहाल दुनिया भर में कोरोना ही चल रहा है। तो फिलहाल मैं फ्रेंड्स आपको ये बताना चाहूँगा, धर्म का मतलब धारण करना, धर्म से आया सनातन धर्म, मतलब जो सत्य है, जैसे मृत्यु सत्य है, जन्म सत्य है, मोक्ष प्राप्ति सत्य है, भगवान जो है वो भी सत्य है, सनातन धर्म से आता है हिंदू धर्म। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो भी छोटा सा मैंने आपको ये बताया धर्म के बारे में वो आपको अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो वो आने वाली है, जिस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि जो चार युग होते हैं सत्य त्रेता द्वापर कलयुग, इस चारों युग में क्या वर्णन किया गया, क्या है ये चारों युग का एग्जैक्ट मीनिंग, नेक्स्ट वीडियो में बताना चाहूँगा। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज ये मेरा न्यू चैनल है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।